हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने से भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। घर के अंदर साथ ही साथ कैप्टनसी टास्क भी होगा और उसके एक रिजल्ट भी आ चुके हैं, साथ ही साथ दूसरा एक टास्क भी स्टार्ट हो चुका है। सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस हफ्ते रूबीना घर की कैप्टन बने और आपको रूबीना दिलेक आपकी भी फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रूबीना दिलेक के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा जो भी कंटेस्टेंट अभी तक जिनका गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो और टॉप टू आपको लगता है दोस्तों, उसका नाम आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं किसके लिए कितने लोग वोट करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड के दौरान आप देखेंगे कि घर के अंदर कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग टास्क के बीच में ही एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। आपको बता दूं कि क्या कुछ होता है टास्क में। दोस्तों, एक फ्रेम वाला टास्क है, यानी कि जिसकी भी फोटो कैमरे में आएगी जिस टीम की ज़्यादा, वो टीम जो है कैप्टेंसी का दावेदार बनेगा और फिर उनमें से कोई एक कंटेंडर जो भी होगा वो कैप्टन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है। आपको बता दूँ कि एक राउंड अभिनव की टीम जीत जाती है और दूसरी राउंड जीतती है दूसरी, यानी कि अभिनव की टीम के अपोजिट में होते हैं राहुल अली एजाज की टीम होते हैं, तो वो टीम जीत जाती है दूसरे में। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरा राउंड होता है वहाँ पे होता ये है कि कैमरा को ही लोग छिपा देते हैं, और जिसका कि आपने ट्विस्टेड प्रमो में देखा, अब यहाँ पे कैमरा छिप जाता है दोस्तों, जिसको लेकर के पूरे घर में सभी कंटेस्टेंट जगह जगह पे बिग बॉस की प्रॉपर्टी, बिग बॉस के दरवाजे को घिंचातानी करने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हो जाता है। और क्योंकि बिग बॉस ऐसे टोकते नहीं, लेकिन क्योंकि अब बिग बॉस की प्रॉपर्टी पर बात स्टार्ट हो गई थी, तो स्टार्ट ये हो जाता है कि बिग बॉस बोलते हैं क्योंकि आप लोग घर के कार्यों को काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसके वजह से, और साथ ही साथ आपने कैमरे को बिना इजाज़त के छिपा दिया है और कोई ऐसा कंटेस्टेंट छिपा रहा है जिसको टास्क में दोनों तरफ से इन्वॉल्व हुआ है, तो इस राउंड को रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों, लगता है लोगों को कि दोबारा से फिर से राउंड स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस एक ट्विस्ट लेके आते हैं और इस टास्क को ही वो रद्द कर देते हैं। अब यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि जब ये टास्क रद्द हो जाता है तो फिर बिग बॉस देते हैं घर के अंदर एक नया टास्क, जहाँ पे चार कंटेस्टेंट को अपनी कुर्बानी दे करके दूसरे कंटेस्टेंट को उनके जगह पे कैप्टेंसी के कंटेंडर के लिए लाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए अपने प्लॉटिंग के स्टार्ट कर देते हैं कि कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा और कौन कैसे क्या करने वाला है। अब यहाँ पे राखी सावंत को काफ़ी लोग, यानी कि रूबीना और अभिनव सही बता रहे थे, लेकिन उनके हिसाब से अगर उनको कोई प्रॉमिस कर देता और अगर वो प्रॉमिस टूटती तो फिर सभी को बुरा लगता है। तो इसी वजह से, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया गया था कि अगर हम आपको कैप्टन बनाते हैं तो आपको इम्यूनिटी में हमें बचाना है, लेकिन उनको यानी कि सोनाली फोगाट को बचाया नहीं गया था, इसके वजह से सोनाली फोगाट ने अपना आवाज़ उठाया था कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सोनाली सही थी, क्योंकि राखी को उन्हें ही बचाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन उन्होंने अभिनव को बचाया, जो कि उनके गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब यहाँ पे दोस्तों, फिर से एक बार वो गेम खेल जाती है, वो बोलती है कि मुझे उस समय ध्यान नहीं रहा, तभी वो बोल रही थी मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन दीदी मैं आपको आगे सपोर्ट करूँगी, आप सबने और हमने देखा है ये चीज़ उन्होंने कहा है। लेकिन कैप्टेंसी टास्क में वो फिर से पलट जाती हैं और वो फिर से एक बार अभिनव को सेव कर देती हैं और अभिनव को बढ़ा देती है कैप्टेंसी रेस के दौरान। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंटेस्टेंट बढ़ते हैं आगे वो है रूबीना, बढ़ा देती है निक्की को, तो निक्की एक कंटेंडर बन जाती है। अली सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने राहुल के लिए, तो राहुल दूसरे कंटेस्टेंट बन जाते हैं, और एक बन जाते हैं आपको अभिनव शुक्ला, और एक कंटेस्टेंट दोस्तों एजाज खान बन जाते हैं। तो ये चार कंटेंडर इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क के लिए बढ़ते हैं। अब ये इन चारों के बीच में एक कैप्टेंसी टास्क होगा और फिर यहाँ पे इन लोगों में से कोई एक कैप्टन बनेगा, जिसके बारे में आपको अगली ही वीडियो में बता दूंगा कि जैसे कोई टास्क स्टार्ट होता है। फिलहाल दोस्तों, विकास गुप्ता के थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से शॉकिंग एविक्शन उनका हो जाता है, घर में मिड नाइट एविक्शन हो जाता है और वो सीक्रेट रूम के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि पिछले सीजन में हुआ था कि सीक्रेट रूम के अंदर गए थे पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला, वही सेम चीज़ इस बार भी होगा और फिर से विकास गुप्ता घर में री एंट्री करेंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड के लिए और आप भी रूबीना के फैंस हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।